नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सवाल दिया है। सवाल क्या दिया है? परिमेय संख्या 256 बटे 441 के वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस सवाल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर किसी भी संख्या का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वर्गमूल का एक चिन्ह होता है। वर्गमूल का एक चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा होता है, इसको हम अंडर रूट कहते हैं। ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह है दोस्तों। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हमारा वर्गमूल का ही चिन्ह है, ठीक है। अब क्या करें, किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले उस संख्या के ऊपर हम वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। हमें किसका निकालना है, 256 बटे 441 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, 256 बटे 441 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह, ठीक है, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इस कोने पर, इस नोक पर कुछ नहीं होता बच्चों, तो कितना छिपा होता है, दो होता है। कितना छिपा होता है, दो होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों के हमें ऐसे गुणनखंड करने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश जो हमारे पास 256 दिया है इसके गुणनखंड में अलग करके आपको बताता हूँ। जैसे इस तरीके से 256 दिया है मैंने, इसके फैक्टर कर लिए, दो से काटेंगे, दो का पाड़ा पड़िए कि दो से अधिक ना हो, दो एक कम दो, फिर दो का पाड़ा पाँच से ज़्यादा ना हो, दो दूना चार, एक बचा यहाँ हो जाए 16, 2 8 16। इसी तरीके से अभी दो से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, कैसे, दो का यहाँ, दो यहाँ लिखेंगे, दो का पड़ा पड़ेंगे 12 से ज़्यादा, 2 6 12 2 4 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, आसानी से सब करना जानते होंगे बच्चे, ठीक है। फैक्टर इसके कर लेंगे, इसी तरीके से जो 441 है इसके भी हमें क्या करने हैं, फैक्टर कर लेने, 441 के भी हमें फैक्टर करने हैं, किसके करने हैं, 441 को। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 एक कम 3 कितने हो जाएंगे, और 14 3 चक्कू 12 2 बच्चे 3 7 21, फिर से हम 3 से काटेंगे, 3 3 चक्कू 12 2 3 27, ठीक है। ये कितने, 3 चक्कू 12 दोस्तों, यहाँ 4 आ जाएंगे, ठीक है, 3 चक्कू 12, ये 7 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 एक कम 7 एक कम 7। अब क्या करेंगे, जिसके जितने गुणनखंड आए उसको हम अंडर रूट के अंदर ही लिख लेंगे। 256 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ठीक है, लिखेंगे 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आएगा, ठीक। बटे में कितना आता है, 3 × 3 × 7 × 7। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हमें दो दो के जोड़े अगर बना लेने, सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, इसमें 1 2 3 4 सभी संख्या के जोड़े बनेंगे। जिसके जोड़े बन जाते हैं वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, जिस संख्या के जोड़े बन जाते हैं उसको हम अंडर रूट के बाहर कर देते हैं। इस यहाँ इसके जोड़े बन गए तो इसको हम अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे, इस संख्या के जोड़े बन गए इसको अंडर रूट के बाहर कर लेंगे, इसके भी अंडर रूट के बाहर कर लेंगे, इसके जोड़े बन गए इसके भी, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या नहीं रह गई, क्यों, सभी के तो जोड़े बन गए, जिसके अगर जोड़े नहीं बनते वो अंडर रूट के अंदर ही रहता, जिसके अंडर रूट में के अंदर जोड़े बन जाते हैं उसको अंडर रूट के बाहर कर लेते हैं, बटा लिख देंगे, इसमें अंडर रूट में क्या करेंगे, इसके भी जोड़े बन रहे हैं इसके, तो इसको हम अंडर रूट के बाहर करेंगे एक बार, जोड़े को हम एक बार बाहर लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी हम एक बार बाहर लिख देंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे के नीचे गुणा कर देंगे, हमारा वही आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16। तो हमारा 16 ऊपर हो जाएगा और बचे 7 3 21 दोस्तों, हमारा 16 बटे जो 21 होगा यही क्या हो जाएंगे, 256 441 के वर्गमूल हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक।